बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण का गठन हुआ है। आईएमडी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि चक्रवाती परिसंचरण निम्न दबाव में तेज हो जाएगा, हालांकि बाद में यह शांत हो जाएगा। आईएमडी के अनुसार इस वजह से सोमवार मंगलवार को तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से दूर बंगाल की खाड़ी पर भारी बारिश के आसार हैं। आईएमडी ने सोमवार शाम को बुलेटिन जारी किया। देर शाम जारी बुलेटिन में मौसम विभाग ने बताया कि इसके प्रभाव से मंगलवार सुबह तक मलकानगिरी, कोरपुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति और गंजम में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक ओडिशा के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आईएमडी ने दो दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी की है। आईएमडी के अनुसार 25 जुलाई को गजपति, गंजम, पुरी, मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ जिले के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा विभाग ने नवरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, बालांगीर, नयागढ़, खुर्दा, कटक, जगतसिंहपुर और मयूरभंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज चमक से बौछारें पड़ने की संभावना है। 25 से 27 जुलाई के बीच ओडिशा तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मछुआरों को समुद्री इलाकों में जाने से मौसम विभाग ने मना किया है। भारी बारिश और तूफानी हवाओं के कारण निचले इलाकों में जल जमाव, कमजोर कच्चे घरों की दीवार गिरने की आशंका है। इसके अलावा मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी और कंधमाल जिलों के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की भी संभावना है। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। देश में कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अगले चार दिन तक काफी उग्र होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते कुल 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में अगले तीन दिन लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से अधिक बनी हुई है। गंगा नदी भी इस वक्त उफान पर है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं मुंबई में भारी बारिश के चलते सोमवार को जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए यानी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान पनप रहा है। ये पश्चिम मध्य और उसके सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये तूफान समुद्र तल से 5.8 से 7.6 किलोमीटर ऊपर है, जिसके कारण 24 घंटे में यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के पनपने की वजह से पश्चिम मध्य और उसके सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव बना हुआ है। ये तूफान समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर है, जिसके कारण 24 घंटों में यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। इस वजह से तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। यहाँ पर कुल 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी हिस्से, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी है। इनमें से कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।